नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम नई वैकेंसी के साथ यहाँ पे अपडेट हम आपको लेकर के आ चुके हैं। दोस्तों, BMRCL की तरफ से यहाँ पे बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसीज निकाली गई हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको परमानेंट वैकेंसी का अपडेट देखने को मिलेगी। अगर आपने यहाँ पे ITI पास आउट कर रखा है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे किसी तरह का कोई भी टाइप का किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, कोई भी एक्सपीरियंस आपको नहीं देना होगा। और आपको किस तरह से यहाँ पे आपको फॉर्म को भरना होगा और किस तरह से अप्लाई कर सकते हो, तो इसमें दोस्तों यहाँ पे ITI कैंडिडेट और डिप्लोमा कैंडिडेट और डिग्री कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बैंगलोर रेलवे मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसीज आउट की गई हैं उसमें, ठीक है। ये इसका यहाँ पे देख सकते हो, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे। और कैसे आपको फॉर्म को भरना है, ये पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म को भरना होगा, ठीक है। तो अगर आपने मेरे टेलीग्राम को जाकर के ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैंने पिन कमेंट भी कर रखा है, जिससे कि क्या होगा कि मैं यहाँ पे अपने चैनल पे यूट्यूब पे अपडेट नहीं दे पाता हूँ, तो मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे आपको अपडेट करा देता हूँ। तो जाकर के वहाँ पे जो है आपको ज्वाइन कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं, पूरी डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं। इसमें टोटल पोस्ट आपको यहाँ पे 236 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। परमानेंट नौकरी है, आपको कितने फायदे मिलेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है और भाई उन्होंने जो है बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करके नहीं रखा है, तो जरूर से जरूर ऑल पे क्लिक करके रखना, ठीक है। कई लोग ऐसे हैं कि सब्सक्राइब तो कर लेते हैं पर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करके नहीं रखते हैं, तो जरूर से ऑल पे क्लिक करके जरूर रखना, ठीक है। घंटी को जरूर से दबा के रखना ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं बैंगलोर रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं 2023 के अंदर। इसमें दोस्तों आपको कैसे ऑनलाइन फॉर्म को भरना है और कैसे आप अप्लाई करोगे, पूरा प्रोसेस जान लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे पूरा जो पेज है वहाँ पे ओपन कर लिया है आपके सामने, आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है, पूरा प्रोसेस भी आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, अगर आपने ITI कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, BE/BTECH कर रखा है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल होंगे, ठीक है। साथ ही साथ कैसे आपको फॉर्म को भरना होगा, ये भी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें। अगर दोस्तों आप स्किप करके देखेंगे वीडियो, तब आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगी, ठीक है, तभी आप फॉर्म भरना ना ही जान पाएंगे और ना ही आप कैसे फॉर्म को फिलअप करना होगा वो भी आप जान पाओगे, ठीक है। तो स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें। एंड दोस्तों, यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी जो बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसीज आउट करी गई हैं। इसमें दोस्तों आपको यहाँ पे 236 पोस्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें ITI डिप्लोमा डिग्री कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 24 मार्च से स्टार्ट किए गए हैं फॉर्म भरना और 24 अप्रैल तक यहाँ पे फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे। लास्ट डेट इसकी 24 अप्रैल 2023 आपको देखने को मिल जाएगी। तो बैंगलोर के मेट्रो में जो वैकेंसी निकली है उसमें कैसे आपको अप्लाई करना होगा, पूरा प्रोसेस जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा मेट्रो रेलवे भर्ती 2023 रिक्रूटमेंट 2023, जिसमें ITI डिप्लोमा VE/BTECH कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी 236, जो कि यहाँ पे आप देख ही सकते हो, ठीक है। ये आपको लोगो देखने को मिल जाएगा बैंगलोर मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन का, और यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे आपको जो बेसिक डिटेल्स पूछी गई हैं, इस बेसिक डिटेल्स में आपको क्या क्या बेसिक डिटेल्स यहाँ पे मांगी गई हैं, तो सारा प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो यहाँ पे बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसीज यहाँ पे आउट की गई हैं। बात करें टोटल वैकेंसी की, तो यहाँ पे 236 टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ यहाँ पे अप्लाई मोड जो देखने को मिलेगा, कैसे देखने को मिलेगा, देख सकते हो यहाँ पे थ्रू ऑनलाइन के बेस्ड पे आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन के माध्यम से आपको जो है फॉर्म को फिलअप करना होगा, जो कि यहाँ पे आप मेंशन किया गया है ऑनलाइन के माध्यम से, ठीक है, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट, दोनों ही उम्मीदवार आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बात कर लेते हैं नेम ऑफ पोस्ट की, तो यहाँ पे जो पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी वो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेंगी पोस्ट वो देखने को मिल जाएगी स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर की, जिसमें 108 टोटल पोस्ट हैं, और दूसरी मिलेगी आपको सेक्शन इंजीनियर की, जिसमें टोटल 14 पोस्ट हैं, और तीसरी जो मिलेगी आपको मेंटेनर की, इसमें 114 पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 18 से लेकर के और 33 से 38 वर्ष के बीच में अगर आपकी आयु है, सॉरी 18 से लेकर के और 38 वर्ष के बीच में आपकी आयु है, आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसमें जो वैकेंसीज निकली हैं उसमें अलग अलग पदों पर अलग अलग शैक्षिक योग्यता मांगी गई है, जो कि यहाँ पर आप नीचे देख ही पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगी एंड उसके बाद क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगी पोस्ट वो देखने को मिलेगी यहाँ पे स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर की, जिसमें दोस्तों आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए,
और सेक्शन इंजीनियर के अंदर जो आपको पोस्ट देखने को मिल रही है, इसमें अगर आपने बी वीटेक कर रखा है आप एलिजिबल हैं। एंड थर्ड जो वैकेंसी देखने को मिल रही है मेंटेनर की, इसमें दोस्तों आपको आईटीआई पास आउट होनी चाहिए। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे जो आईटीआई के लिए ट्रेड निकल कर आ रही है उसमें आपकी कौन कौन सी ट्रेड होनी चाहिए। ठीक है, जो कि आप देख सकते हो जो आईटीआई वाले के लिए जो वैकेंसी निकली है ना मेंटेनर की, इसमें दोस्तों आपको कौन कौन सी ट्रेड होनी चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हो आईटीआई 2 ईयर का होनी चाहिए। यहाँ पे बायरमैन के अंदर कर रखा है अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का आईटीआई आपने कर रखा है यहाँ पे रेफ्रिजरेशन एंड यहाँ पे मैकेनिक्स के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 2 ईयर का आपने आईटीआई कर रखा है यहाँ पे मैकेनिक रेडियो एंड टीवी का अप्लाई कर सकते हैं। एंड 2 ईयर का आपने आईटीआई कर रखा है यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर, मैकेनिकल कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि अगर आपने यहाँ पे आईटीआई कर रखा है, ठीक है, 2 ईयर के अंदर में, और आपको ये ट्रेड आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे जो कि यहाँ पे आप देख ही सकते हो। ठीक है, ये आपको ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो अपनी ट्रेड के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे जो मेंटेनर के लिए सिविल की पोस्ट निकली है वहाँ पे, उसमें दोस्तों आपकी क्या ट्रेड होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आईटीआई आपकी जो होनी चाहिए वो यहाँ पे आपको ट्रेड दे रखी है। ठीक है, ये ट्रेड अगर आपके पास सिविल में, अगर आप मेंटेनर सिविल के अंदर अगर आप अप्लाई करते हो तो उसमें आईटीआई ट्रेड वाले ये कैंडिडेट लिए जाएंगे। और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको यहाँ पे कैसे देखने को मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हो रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे सिलेक्शन बेस्ड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, BMRCL की तरफ से, ठीक है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे बात कर लेते हैं पोस्ट सैलरी की, तो यहाँ पे सैलरी जो आपको देखने को मिलेगी बहुत ही तगड़ी सैलरी आपको देखने को मिल रही है, जो कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको सैलरी की यहाँ जो प्रोसेस है, ठीक है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस के प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल कैंडिडेट के लिए जो कि यहाँ पे 2A 2B और 3A 3B कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो शुल्क रखा गया है 1180 रुपये का होगा, प्लस यहाँ पे GST आपके लग के, और SC ST कैंडिडेट के लिए 590 का होगा यहाँ पे, फिर प्लस 18% GST लग के। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेशन डेट की बात कर लेते हैं, तो ये डेट जो स्टार्ट हुई है 12/3/2003 को यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ठीक है, और इसकी लास्ट डेट देखने को मिल जाएगी आपको यहाँ पे 24/4/2023 लास्ट डेट देखने को मिल जाएगी। लास्ट डेट पेमेंट की देखने को मिल जाएगी 27/4/2023। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पे कैसे आपको अप्लाई करना है, चलिए मैं आपको अप्लाई का प्रोसेस भी बता देता हूँ। तो गाइस देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे गूगल टाइप कर लेना है। ठीक है दोस्तों, गूगल टाइप करोगे, गूगल टाइप करने के बाद आपको देखेगा यहाँ पे सर्च बार का ऑप्शन, जो कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे, इस सर्च बार के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टाइप कर देना है ऑनलाइन जॉब तक। जैसा कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया ऑनलाइन जॉब तक, ऑनलाइन जॉब तक मैंने टाइप किया। टाइप करने के बाद आप देखोगे कि आपको फर्स्ट टैब पर ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे ही क्लिक कर देना है, जो कि यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का यहाँ पे आपको सबसे पहले ही आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे ना देखने को मिले तो ये दिख रहा है आपको सर्च दिस ब्लॉक का ऑप्शन। ठीक है, आपको यहाँ पे सर्च कर देना BMRCL, ठीक है, और डाल के सर्च करोगे तब भी आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पर ही देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। एंड गाइस क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने जो मैंने आपको बताई थी बेसिक डिटेल्स, वो बेसिक डिटेल्स सारी की सारी यहाँ पे ओपन हो चुकी हैं। अब आपको अप्लाई करना है, तो आपको नीचे आना, थोड़ा नीचे आओगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे दिख जाएंगे ऑप्शंस, जो कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको देख सकते हो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए देखने को मिल जाएगा, डाउनलोड नोटिफिकेशन के लिए देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो क्लिक पे सिंपली क्लिक कर देंगे। अगर आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे, डाउनलोड नोटिफिकेशन पे आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद देख सकते हो ये जो कनाडा में यहाँ पे लैंग्वेज दे रखी है आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वैकेंसी रिलीज जो करी गई है 22/3/2023 को वैकेंसी आउट करी गई है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। ये जो भाषा है समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, मैंने आपको वहाँ पे डिटेल में समझा दिया है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जो लिंक एक्टिवेट होगा दोस्तों, ये होगा 24 से। तो भाई जैसे ही आप अप्लाई बटन पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का यहाँ पे पेज खुल के ओपन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो देखने को मिल जाएगी, मेक पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, चेक स्टेटस का आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो भी आपको बताई थी डेट देख सकते हो यहाँ पे 24/3/2023 से स्टार्ट हो जाएंगे, और लास्ट डेट यहाँ पे 27/3/2023 रखी गई है। अप्लाई करना चाहते हो सिंपली आपको करना क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक कर देना है इस तरह से। एंड क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का डेमो पेज खुल के ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सेलेक्ट अपनी पोस्ट को सिलेक्ट कर लेना है, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था उस तरह से यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है अपनी पोस्ट। अगर आपने आईटी कर रखी है सिविल से मेंटेनर सिविल के लिए करना चाहते हो,
या फिर आप यहाँ पे मेंटेनर सिस्टम के लिए करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है सिंपली। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नाम आपका कैंडिडेट का नाम है, फादर नेम है, ठीक है, और यहाँ पे आपका देख सकते हो यहाँ पे मदर नेम है, नेशनलिटी है, रिलीजन है, जेंडर, मैरिटल स्टेट, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। ये आपको यहाँ पे सारा का सारा फॉर्म को फिलअप कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हो अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं उसका भी विवरण आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। एग्जाम सेंटर जो आपको देखने को मिलेगा बेंगलोर के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। ईमेल आईडी देखने को मिल जाएगी, ठीक है, आपका मोबाइल नंबर वगैरह ये सारी चीज़ आप डाल सकते हो, ठीक है। आपको नॉलेज ऑफ कनाडा की अगर नॉलेज आपको है, अगर आपको बोलना बोल लेते हो या फिर पढ़ लेते हो या फिर लिख लेते हो, ठीक है, या फिर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आती है तो वो यहाँ पे टिक कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको सारी जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था, आईटी आपने कौन से ग्रुप के अंदर कर रखी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कोई एक, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने फिटर के अंदर कर रखी है तो फिटर को सेलेक्ट कर लेना है, और अगर आपने यहाँ पे मेंटेनेंस के अंदर कर सॉरी आपने यहाँ पे जो है रेडियो एंड टीवी के अंदर कर रखी है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड ऑफ स्टेट, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज कितनी है, ये सारा विवरण आपको दे देना होगा। एंड यहाँ पे आपको एसएमएस को टाइप करना है, ठीक है, आपके मेल आईडी पर एक एसएमएस पहुँचेगा, और उसके बाद ये आपको कैप्चा कोड देखेगा, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है, फिर जो आपका एप्लीकेशन नंबर होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आपको फोटो का ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको फोटो अपलोड कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से जो सिलेक्शन प्रोसेस है और इसका एप्लीकेशन प्रोसेस है, इस तरह से आपको फिलअप करना है। अगर आपको पूरा वीडियो चाहिए अप्लाई कैसे करें फॉर्म, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको वहाँ पे भी रिप्लाई दे दूंगा दोस्तों। जल्दी मिलेंगे हम नई वीडियो में नई वैकेंसी के साथ।